हेलो दोस्तों, हिंदी लुकअप में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि ब्लड क्लॉट दिल दिमाग या हाथ पैर में जो कि खून जमने से बनता है, जिसे हम खून का थक्का कहते हैं, उसके होने के कारण, लक्षण और खतरे क्या होते हैं। दोस्तों, ब्लड क्लॉट यानी खून का थक्का जो कि खून के जमने से किसी चोट लगने के बाद बनता है, जो कि खून को बहने से रोकता है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है खून को रोकने की, ताकि आपके शरीर से ब्लड लॉस ना हो सके। लेकिन यदि किसी कारण से ब्लड क्लॉट यानी कि खून का थक्का या खून का जमना आपकी खून लाने ले जाने वाली नलिकाओं में बनने लगे, तो यह आपके लिए जानलेवा भी सिद्ध हो सकता है। यदि ब्लड क्लॉट आपके खून की नलिका में बना है और वो उसी जगह पर रहे, तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन यदि वो उस जगह से चलकर या बहकर आपके दिल, दिमाग या फेफड़ों तक पहुंच जाए, और यदि इसकी जांच और इलाज ना करवाया जाए सही समय पर, तो ये पैरालिसिस या हार्ट अटैक या दूसरी जानलेवा स्थितियों को भी जन्म दे सकता है। ब्लड क्लॉट यानी खून के थक्के के प्रकार की यदि बात करें, तो जैसा कि आपको पता होगा कि आपकी खून लाने और ले जाने वाली नलकियाँ, जिन्हें हम धमनी और शिरा कहते हैं, इंग्लिश में इन्हें आर्टरी और वेंस कहा जाता है, के आधार पर दो प्रकार का होता है। आर्टरी यानी धमनी में बनने वाला जो खून का थक्का होता है, उसे आर्टरियल क्लॉट कहा जाता है। यह थक्का बहुत तेजी से बनता है और अपने लक्षण बहुत जल्दी शो करने लग जाता है। आमतौर पर इसके लक्षण होते हैं तेज दर्द या लकवा आना या हार्ट अटैक की स्थिति होना। दूसरा प्रकार है वेंस यानी शिरा के अंदर बनने वाला ब्लड क्लॉट, जिसे कि वेनस क्लॉट कहा जाता है। यह बहुत धीरे धीरे बनता है और यह आमतौर पर जानलेवा सिद्ध हो सकता है कभी भी। इसके लक्षण व्यक्ति को धीरे धीरे महसूस होते हैं और काफ़ी टाइम बाद हो सकता है कि व्यक्ति को जानलेवा या घातक स्थिति का सामना करना पड़े इसके कारण। दोस्तों, खून जमना, ब्लड क्लॉट या खून का थक्का बनने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि मोटापा, स्मोकिंग की आदत होना, या आपकी एज 60 से पार है, या बर्थ कंट्रोल पिल्स का सेवन करना, दिल संबंधी कोई बीमारी होना, लीवर की बीमारी होना, कैंसर होना, प्रेगनेंसी के दौरान भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा किसी प्रकार का क्लॉटिंग डिसऑर्डर होना, उम्र या किसी और कारण से चल फिर ना पाना, एक ही जगह पर ज़्यादा बैठे रहना या अधिक ट्रेवलिंग करना, इसके अलावा दूसरे भी कई कारण हो सकते हैं जिनकी पहचान के लिए आपको डॉक्टरी जांच करवानी ज़रूरी होती है। अब हम बात करेंगे कि खून का थक्का यानी ब्लड क्लॉट यदि आपके हाथ पैर या दिल दिमाग में या फेफड़ों में है या पेट में है, तो उसके क्या लक्षण होते हैं। इन लक्षणों के आधार पर आपको अपनी समस्या पता लगाने में मदद मिलेगी। और यदि आपको फैमिली हिस्ट्री है ब्लड क्लॉटिंग की, या आपके फैमिली में क्लॉटिंग डिसऑर्डर है किसी को, तो ऐसे लक्षण आपको यदि महसूस होते हैं, तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाकर जाँच करवानी चाहिए और इलाज लेना चाहिए। यदि टांग में किसी जगह पर खून का थक्का हो, तो आपको कुछ लक्षण महसूस हो सकते हैं, जैसे पैर में सूजन आना, टांग में दर्द रहना, टांगों में उभरे हुए चकते बनना, लाल या बैंगनी रंग के निशान चमड़ी पर पड़ना, थक्के वाली जगह का गर्म महसूस होना। इसके अलावा लक्षण इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि आपकी टांग में जो थक्का है वो कितना बड़ा है, उसका साइज कितना है। यदि खून का थक्का आपके दिल तक पहुंच जाए, तो आपको सांस लेने में भारीपन, सांस लेने में परेशानी या दिक्कत, इसके अलावा खड़े होने पर चक्कर आना यानी कि लाइट हेडेडनेस की समस्या रहना, उसके अलावा छाती में दर्द या भारीपन की समस्या होना, जी मिचलाना, बिना कुछ किए अधिक पसीना आना, और यदि समय पर आपको इसका इलाज ना मिले, तो यह जानलेवा सिद्ध हो सकता है। इसमें आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। पेट में यदि खून का थक्का या क्लॉट है, तो आपको पेट में तेज दर्द, पेट में सूजन, कब्ज या दस्त की शिकायत रहना, या खून की उल्टी होना, मल के साथ खून आना जैसे लक्षण या संकेत देखने को मिल सकते हैं। आमतौर पर यही लक्षण फूड पॉइजनिंग से भी हो सकते हैं, इसलिए सही कारण का पता लगाने के लिए आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। दिमाग यानी ब्रेन में थक्का यदि है, तो आपको कुछ लक्षण महसूस होंगे, जैसे कि
अचानक से सर में तेज दर्द होना, नज़र का धुंधलापन, चक्कर आना, बोलने और देखने में परेशानी होना, शरीर के किसी भाग में सुन्नता होना जो कि शरीर के एक तरफ हो सकती है, कमजोरी रहना, दौरे पड़ना, इस तरह के संकेत आपको देखने को मिलेंगे। यदि इलाज ना करवाया जाए तो रोगी को पैरालिसिस अटैक भी पड़ सकता है, जिसके कारण रोगी को लकवा मार सकता है और कुछ स्थितियों में, कुछ केसेस में जान जाने का भी खतरा रहता है। यदि खून का थक्का फेफड़ों में यानी लंग्स में है तो आपको बिना कोई कार्य किए हुए सांस में भारीपन रहना, खांसी के साथ खून आना, सांस लेने में परेशानी होना, बुखार होना, चक्कर आना, अधिक पसीना आना, अचानक से छाती या सीने में दर्द होना, पल्स रेट का तेज हो जाना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। यदि इसका समय पर इलाज ना हो तो रोगी के शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बहुत गिर जाता है, जिसके कारण उसके दिल, दिमाग और दूसरे अंगों को नुकसान पहुंचता है और अंत में मृत्यु भी हो सकती है। तो दोस्तों, यदि आपको ऐसे लक्षण महसूस होते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाकर अपनी जाँच करवानी चाहिए। जाँच के आधार पर ही डॉक्टर आपको दवा या ज़रूरी ट्रीटमेंट देता है। आपको इस स्थिति में किसी भी प्रकार के घरेलू उपाय या नुस्खे का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने पर स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए सही कदम यही होगा कि ऐसे लक्षण महसूस होने पर आप डॉक्टर के पास जाएं और सही समय पर सही इलाज लें। तो दोस्तों, ये था ब्लड क्लॉट के बारे में जानकारी। इसके अलावा भी हम अगले वीडियो में आपको दूसरी जानकारी देते रहेंगे। आपका प्रश्न हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।